हाय दोस्तों, फॉरेक्स तमन में आपका स्वागत है। पहला वीडियो पर मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब क्या करके मैंने आपको सिखाया था, तो आज का वीडियो पर मैंने आपको बुलिश एंगलफाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब क्या करके मैंने आपको सिखाने वाला हूं। तो चलो हम देखते हैं। तो अगर सिंपल से बता दूं कि बुलिश एंगलफाइंग कैंडलस्टिक मतलब एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। तो देखने में ऐसी लगेगा बुलिश एंगलफाइंग पैटर्न। सो एक्चुअली दो कैंडलस्टिक होगा एक बुलिश एंगलफाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न में। इसमें पहला जो है वो बियर कैंडल होगा और सेकेंड वन है वो जो बुल कैंडल होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, पहला कैंडल में इधर ओपन होगा, ठीक है, यही है ओपन। ओपन होने के बाद मार्केट पूरा नीचे आएगा, यही है लो। इधर आने के बाद बायस कंट्रोल होगा, बायस कंट्रोल होकर मार्केट पुश करके हाई तक आएगा, यही है हाई। हाई आने के बाद सेलर्स कंट्रोल होगा, सेलर्स कंट्रोल होने के बाद मार्केट को पूरा पुश करके इधर आके क्लोज होगा, यही है क्लोज। तो ये क्लोज होने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में यही जगह पर ओपन होगा। तो ओपन होने के बाद इधर लो होगा, यही है लो। तो लो आने के बाद बायस कंट्रोल होगा, बायस कंट्रोल होकर मार्केट को पुश करके हाई तक आएगा, यही है हाई। हाई आने के बाद सेलर्स इमीडिएटली कंट्रोल होगा, लेकिन सेलर्स को पुश नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा बायस है, तो इसके लिए यही पर क्लोज होगा। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें सेकेंड कैंडल है उसमें ज्यादा बायस है, मतलब स्ट्रांग बायस है, और पहला जो कैंडल है इधर में स्ट्रांग सेलर्स है। तो जब भी एक कैंडल फॉर्म होगा, मतलब एक बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगा, और फॉर्म होने के बाद ये पहला जो कैंडल का हाई में क्लोज होगा, मतलब इसके हाई में क्लोज होगा, तभी तो इसको हम एंगलफिंग कैंडल कह सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होगा, पहला जो कैंडल फॉर्म होने के बाद सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को एंगलफाई करेगा, मतलब उसका बॉडी पूरा कवर होगा। आपको देख सकते हैं उसका बॉडी कवर होने के बाद उसको हाई में जाके इधर में क्लोज होगा, तो इसके लिए इसको बुलिश एंगलफिंग कहते हैं। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कैंडल में सेलर्स ज्यादा है और सेकेंड कैंडल में बायस ज्यादा होने के बाद मार्केट ऊपर जाके क्लोज होगा, मतलब इसका एंगलफाई होगा, एंगलफाई होके ऊपर जाके क्लोज होगा। और दूसरा बात है कि हम ये विक को कंसीडर नहीं करना चाहिए, ओनली हम बॉडी को कंसीडर करना है। तो बुलिश एंगल, तो इसमें ज्यादा बायस कंट्रोल होगा, मतलब पहला कैंडल में बायस कंट्रोल होगा, कंट्रोल होने के बाद सेकेंड कैंडल फॉर्म होने के बाद इसमें ज्यादा बायस होगा, इसका मतलब है कि बायस ज्यादा है करके। और जब भी एक बुलिश एंगलफाइंग कैंडल में दो कैंडल होना चाहिए, इसमें पहला कैंडल बियर कैंडल होना चाहिए और उसका बॉडी शॉर्ट होना चाहिए, और सेकेंड कैंडल बुल कैंडल होना चाहिए, और सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल से बड़ा होना चाहिए, मतलब उसमें एंगलफे होना चाहिए, तो तभी तो ये एक बुलिश एंगलफेम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये एक्चुअली एक बुलिश एंगलफेम कैंडल नहीं है, और उसका बॉडी कितना बड़ा है इतना मोर सिग्निफिकेंट है करके। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, ये एक्चुअली मैं ट्रेडिंग व्यू से मैं निकाला था। ये पहला जो एग्जाम्पल है ये यूरो यूएसडी, ठीक है। तो इसमें देखो, ये एक्चुअली एक बुलिश एंगलफाइंग है, इसमें मार्केट इधर ओपन होगा, ओपन होने के बाद मार्केट पूरा नीचे आएगा, यही है लो। लो होने के बाद इमीडिएटली बायस कंट्रोल होके मार्केट पूरा ऊपर जाएगा, यही है हाई। हाई आने के बाद इमीडिएटली सेलर्स कंट्रोल होगा, सेलर्स कंट्रोल होने के बाद मार्केट पूरा नीचे आके इधर आके क्लोज होगा, और ये क्लोज होने के बाद इमीडिएटली वही जगह पर नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा, ओपन होने के बाद मार्केट पूरा हाई जाएगा। हाई जाने के बाद सेलर्स कंट्रोल होगा, लेकिन सेलर्स को पुश नहीं कर सकते, तो मार्केट इधर पर ही क्लोज होगा, ठीक है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि ये बॉडी एंगलफे हो गया है, मतलब फर्स्ट कैंडल से सेकेंड कैंडल का बॉडी बड़ा है। और ये एग्जाम्पल देखो, तो मार्केट यहां पर ओपन होगा, ओपन होने के बाद मार्केट पूरा नीचे आएगा, यही है लो। लो होने के बाद इमीडिएटली बायस कंट्रोल होकर मार्केट पूरा ऊपर जाएगा, ये हाई। हाई आने के बाद इमीडिएटली सेलर्स कंट्रोल होगा, सेलर्स को मार्केट पुश करके इधर आके क्लोज होगा, और एक क्लोज होने के बाद इमीडिएटली इधर में ओपन होगा, ओपन होके यहां पर लो आ जाएगा। तो लो आने के बाद इमीडिएटली बायस कंट्रोल होके पूरा पुश करके हाई तक आएगा। हाई आने के बाद सेलर्स पुश करेगा, लेकिन मार्केट इधर ही क्लोज होगा। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि यही है एंगलफिंग। तो सेकेंड कैंडल पहला कैंडल को एंगलफे हो रहा है,
इसी को हम बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं। तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा, ये एक्चुअली जीबीपी यूएसटी है, ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि ये एंगल्फिंग हो रहा है बॉडी, और ये भी एंगल्फिंग हो रहा है। तो ये दूसरा एग्जांपल है, ये यूएसटी जेपी पे चार्ट है, इसमें देखो, इसमें देखो ये, इसमें बॉडी एंगल्फे हो रहा है। तो इसी में देखो इधर पर ही बॉडी एंगल्फे हो रहा है, तो इधर पर ही बॉडी एंगल्फे हो रहा है, ठीक है। तो ये एंगल देखो, ये एक्चुअली एयूडी यूएसटी चार्ट है। तो इसमें देखो मार्केट इधर पर ओपन होगा, ओपन होने के बाद इमीडिएटली लो आ जाएगा, यही है लो। लो आने के बाद मार्केट पूरा ऊपर जाएगा, यही है हाई। हाई आने के बाद इमीडिएटली सेलर्स कंट्रोल करके मार्केट को पुश करके इधर आके क्लोज होगा। तो क्लोज होने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा वही जगह पर, ओपन होने के बाद लो आ जाएगा, यही है लो। लो आने के बाद बायर्स कंट्रोल होकर मार्केट को पूरा पुश करके इधर हाई जा हाई आएगा। हाई आने के बाद सेलर्स पुश करेगा लेकिन इधर ही क्लोज होगा। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि यही है एंगल्फिंग, और इसमें आपको ओनली बॉडी ओनली कंसिडर करना है, ये बिग को आपको कंसिडर नहीं करना है। अगर सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी से बड़ा है तो एक बुलिश एंगल्फिंग है। तो ये देखो, ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग है, इसमें बॉडी देखो एंगल्फे हो रहा है, और ये भी देखो एंगल्फे हो रहा है। तो ये चार्ट देखो, ये एक्चुअली यूएसटी सीएचएफ है, ये एक्चुअली एक बुलिश एंगल्फिंग है, ये देखो बॉडी एंगल्फे हो रहा है, और ये देखो ये भी बॉडी एंगल्फे हो रहा है। जब भी एक बुलिश एंगल्फिंग कैसे कह सकते हैं कि पहला जो कैंडल है वो सेकेंड कैंडल से छोटा होना चाहिए, और सेकेंड कैंडल है फर्स्ट कैंडल से बड़ा होना चाहिए, मतलब उसका बॉडी पूरा एंगल्फे होना है, तभी तो एक बुलिश एंगल्फिंग कह सकते हैं। ये कैंडल देखो, ये एक्चुअली बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, क्योंकि पहला कैंडल बड़ा है और सेकेंड कैंडल छोटा है, तो ये एक्चुअली बुलिश एंगल्फिंग नहीं है। तो ये देखो, ये दोनों कैंडल देखो, ये भी बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, फर्स्ट कैंडल बड़ा है लेकिन सेकेंड कैंडल छोटा हो गया, तो ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं है। तो ये एग्जाम्पल देखो, ये भी बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, फर्स्ट कैंडल बड़ा हो गया लेकिन सेकेंड कैंडल छोटा हो गया, तो ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं है। तो यही है बुलिश एंगल्फिंग, ये दोनों, ठीक है। तो अब अभी हम रिकैप करेंगे ये वीडियो पर हमने क्या क्या सीखा करके। बुलिश एंगल्फिंग मतलब वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इसी को हम बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं। इसमें बायर्स आर मोमेंटली इन कंट्रोल होगा, तो जब भी एक बियर कैंडल आने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में बायर्स कंट्रोल होगा, और वो कैंडल में बायर्स ज्यादा होगा करके, मतलब बायर्स ही कंट्रोल होगा करके। जब भी एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में दो कैंडल होगा, तो पहला कैंडल बियर कैंडल होगा और उसका बॉडी छोटा होगा, और सेकेंड कैंडल का बॉडी बड़ा होगा और वो एक बुलिश कैंडल होगा, मतलब सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को एंगल्फे करेगा, तभी तो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न कह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं है, तो उसका बॉडी कितना बड़ा है, इतना बड़ा सिग्निफिकेंट है करके। तो ये वीडियो पर आपको मालूम होगा बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब क्या है करके। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। अगला वीडियो पर मैंने आपको बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब क्या करके मैंने आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई संदेह है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगला वीडियो पर हम देखेंगे, धन्यवाद।